के बाद चुनाव में किसकी सरकार? मतलब मायावती की सरकार में क्या मानूं? अब की बार किसकी सरकार? अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और जनता के मन में कौन सा चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में देखने का मन बनाया है, उसके लिए हम शामली जनपद के गांव सिमालका में पहुंचे हैं और यहां पर बहुत से लोग बैठे हैं। छोटी सी पंचायत है, तो इस पंचायत में हम 2024 के प्रधानमंत्री बनने वाले चेहरे पर बात करेंगे कि अब की बार देश में किसकी सरकार होगी और वो चेहरा कौन सा चेहरा होगा जो 5 साल के लिए देश का प्रतिनिधित्व करेगा। तो जनता के मन में क्या है पहले वही जान लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या हाल है? ठीक साहब। अच्छा ये बताओ, अब 2024 का चुनाव है, हाँ जी, तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। राहुल गांधी की सरकार? राहुल गांधी की सरकार। पक्का? पक्का जी। ये कैसे कह सकते हैं? उधर तो बीजेपी कह रही है 400 पार। बीजेपी दोनों को उजागर है, जो वादे नो करे को पूरे करे हो, हमें बता दो भाई साहब जी। मोदी जी ने जो जो गारंटी दी पूरी तो कर रहे हैं। गारंटी कहाँ दी? बिजली के बिल कह रहे माफ करूँ, कहना मीटर लगवा लो जी, जब बिजली के बिल माफ होगी नु कौन दे देगा? वोट कौन दे देगा नु बताओ, तभी कौन दे देगा नु? ये तो कल बैठ कर हम भी कह देंगे भाई, कहना नंबर डाल छाड़ दा जो कुछ ही कह दो, फिर इसकी मान लेंगे हम। सर थर्ड साइज तो जब नहीं जानगी वाई बात। तो राहुल में ऐसा क्या लग रहा है आपको? राहुल नया चेहरा, नया लड़का है, नया खून है, नया जोश है, देखी जाएगी वो कसा निकलेगा नहीं, फिर 5 साल फिर बदल लेंगे। तो जैसे जयंत अब चले गए हैं, किसानों की बात करते रहे हैं, अब वो बीजेपी में चले गए हैं, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? कदा फर्क तो कुछ पड़ना नहीं, ऐसा है ना जयंत अब अपने वाले सीट पर जीतेगा और यहाँ हम और कुछ जमेंगे। बाबू जी ये कह रहे हैं जो बीजेपी के सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उनकी शक्ल नहीं देखी आप लोग? हमने देखी जी उनकी शक्ल, हाँ लोग देखे नहीं, हमने जाने ही नहीं कौन है प्रदीप। पक्की बात है ना? पक्की। तो अब की बार चुनाव में किसकी सरकार? मैं तो बलक सच्ची पूछ जाएंगे, मैं तो मायावती की सरकार बैठा मान लू। कैसे गजब बताइए, मायावती सरकार ने बैठा मान लू। एक तो ये अफसर लोग भी टाइम पावर थे 15 मिनट पहले, ओके यह गलत कह रहा मैं, और इन तो थोड़ा सा काम हो रहा, अब तो रिश्वत का काम हो रहा पूरा, इन तो रिश्वत चल रही पूरी इस सरकार में। ऐसा ऐसे सरकार में और क्या लगा आपको जिससे आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे मायावती की सरकार चाहिए? इसमें बातें नहीं पूरे करे बताओ, मेरे कांडे का पेमेंट है, छोटा दिन का पेमेंट कहा था लोग, पिछला पेमेंट हुआ ही नहीं बाहर। तो मोदी जी तो अपनी हर गारंटी पे खड़े उतर रहे हैं, उनका कहना है कि जो हम गारंटी दे रहे हैं वो ही पूरी कर रहे हैं। कौन सी गारंटी दे रखी है? 14 दिन की पेमेंट की गारंटी कौन मोदी ने हरने दी थी? होगी योगी जी ने दी थी। हाँ योगी ने तो दी थी, चल योगी की बात बाहर लगे, मोदी ने दी थी और जो पूरी करी बताओ तो क्या क्या कह रहे हैं? सहारनपुर में मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था 14 दिन में किसान का पेमेंट होगा, आज तक हुआ 14 दिन में पेमेंट क्या? मोदी जी लगातार गारंटी की बात कर रहे हैं, तो 14 दिन में किसानों के पेमेंट की जो गारंटी है वो पूरी नहीं है, तो इन किसानों का मन अभी तक यही है कि ये बीजेपी के अगेंस्ट जाने वाले हैं। क्यों खिलाफ जाओगे बीजेपी के? बिल्कुल खिलाफ। पक्ष में है? नहीं बिल्कुल खिलाफ। तो फिर किसके पक्ष में हो? मैं तो मायावती के पक्ष में हूं। मायावती के पक्ष में। क्या हाल चाल है जी? अरे ठीक है जी, घर परिवार में सब? बहुत बहुत बार। चुनाव में अब की बार किसकी जीत? मोदी की जीत ही होगी इसमें। कैसा बात कर रहे हैं आप तो, ये बता रहे हैं मोदी जी अपने वादे पर नहीं खड़े? गठबंधन में कितनी सीटें ले रहे हैं? जो गठबंधन बताएगा कितनी सीटों पर लड़ रही है पहले बता दो। कहीं 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 का रोड़ा भानुद्दीन ने कौन बाजी उठा है? राहुल फिर तो सीट बटने करता यार, कहाँ जीत जाए? मतलब चेहरा कोई प्रधानमंत्री का उनमें है नहीं। ममता कहे मैं बनूंगी, नीतीश वे कहे के नाम इसका, राहुल कहे मैं बनूंगा, प्रधानमंत्री कौन है इनमें? चेहरा तो नहीं उनको प्रधानमंत्री का। अच्छा ये जो 2024 का चुनाव में प्रधानमंत्री की बात आ रही है, तो देश का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी फिलहाल चेहरा है, तो इंडी गठबंधन में कोई नहीं है? कोई चेहरा नहीं है इसमें, कोई चेहरा को बताओ तो किसके बलबूते पर लड़ रहे? घोषणा करी किसी को प्रधानमंत्री बनने का, तो इसका मतलब विकास कार्यों पे तो चुनाव नहीं है, चेहरे पर चुनाव है? नहीं विकास कार्यों पर विकास क्यों नहीं हो रहा? थोड़ी सड़कें बढ़ रही है, थोड़ी बिजली आ रही है, बहुत बिजली आ रही है, बिजली महंगी जरूर हुई पर अभी तो बहुत रही है। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, तो 14 दिन में किसानों का पेमेंट करने की बात कही थी, वो गारंटी क्यों अधूरी रही? वो अधूरी है, अधूरी है, वो अधूरी है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, वो गारंटी अधूरी? ये भी अधूरी है, कोई नहीं है, पेपर लीक है, इनमें काम बहुत अधूरे हैं। किसानों की आय दुगनी थी, नहीं वो गारंटी भी अधूरी? कोई हुई नहीं, मोदी का मोदी है, राहुल भी नहीं करने का। अच्छा
फिर भी प्रधानमंत्री का चेहरा जब भी फसल की कीमत डाउन हो जाए, फिर भी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा? मोदी बनेगा, तो मोदी बनेगा चेहरा तो नहीं है और जी। ये क्या कह रहे हैं, मोदी जी के पीछे पड़ गए तो बोला मोदी तो प्रधानमंत्री बनेगा की बात है, अब अपनी समझ की बात है। जो कह रहे हम तो जहाँ के जयंत मर्द बन जाए प्रधानमंत्री, मारे गए तो थोड़ा ही होगा, तो पब्लिक जो कहेगी वो होगा। आपके आप लोगों के कहने से नहीं होगा, लेकिन आप लोगों की वोट से तो बहुत कुछ होगा। वोट में ही तो दम है, कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वोट में दम है। राजू मन है वो कह रहे, हम तो हमारा तो मन है जयंत बन जा प्रधानमंत्री, मारे कहने तक जयंत को तो अभी कुछ दिया ही नहीं गया, जो कुछ भी सिर्फ पार्टी में आए हैं, गठबंधन किया है, तो प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। हाँ दूर की बात है, अभी तो टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, अच्छा अच्छा। देखिए बहुत से चारे बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राम राम जी। और ठीक ठाक हो? बढ़िया। अच्छा ये बताओ, जैसे मैं इधर से बात कर रहा था, ये लोग कह रहे हैं, कोई कहता है मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी की इच्छा के जयंत प्रधानमंत्री बन जाए, कोई कहता है मायावती, आप क्या कहते हैं? मैं मोदी बनूंगा, लोग बन रहे हैं। ऐसा क्या किया मोदी सरकार ने कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहा हूँ, थोड़े काम कर रहा है। क्या क्या बढ़िया हुआ आपकी नज़र में, क्या क्या बढ़िया हुआ? CAA जो लागू हुआ है, आप उससे खुश हैं? हाँ बढ़िया है, मजा आ रहा है। जानकारी है कि 2014 से पहले जो शरणार्थी भारत में आए थे, ये केवल उनके लिए है? हाँ उनके लिए है ये। क्या अब जो CAA लागू हो गया, इससे भी इस चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ और वोट मिलेंगे तो खूब, बहुत वोट मिलेंगे। नहीं अब तो चुनाव नजदीक है, जो शरणार्थी है उनका ना तो अब वोट बनने वाला है, हालांकि 2029 का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल क्या फर्क पड़ सकता है? उस तो बहुत फर्क पड़ेगा, तो चिंता ना मानना, देखते जा पड़ेगा। ठीक है ठीक है। हाँ जी बाबूजी, जैसे ये कह रहे हैं, अच्छा अच्छा चलिए मैं बात करूंगा अभी। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे अभी बात चल रही है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट मायने रखती है पूरे देश में, और इस पूरे देश में उत्तर प्रदेश में सामने जनपद में मायने रखता है, क्योंकि कैराना लोकसभा एक ऐसी सीट है जो काफ़ी चर्चाओं में रही है, और उत्तर प्रदेश की छवि बनाना बिगाड़ना मायने रखता है, तो पश्चिम में इस कैराना लोकसभा सीट को कैसे देखते हैं आप? इसमें तो भाजपा का हारेगा, ये कैंडिडेट बढ़िया नहीं था इन्होंने। पाँच साल तो रहा ही आपके गांव में, वो पाँच साल में गाय नहीं किसी का, थोड़ा कहा ही नहीं कुछ, ना काम करा किसी का कुछ, कोई एक रोड बनवाई हो या कोई काम करा हो इनने, कुछ नहीं करा। तो मायावती है, समाजवादी पार्टी है, यानी कि अखिलेश जी हैं, कांग्रेस है, नहीं मायावती का भी कोई नहीं आता, मायावती का तो भी कोई नहीं था, पर ये सपा वाले जो हैं, ये मनोहर की लड़की है यार, ये दुख सुख में सबके यहाँ जा, तो गठबंधन से इग्रासन मैदान में है। हाँ ये सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे इसके अपने कर्मों से, मतलब कैंडिडेट के हिसाब से वोट, पार्टी के हिसाब से नहीं, आदमी कैंडिडेट को भी देखे, यानी कि मैं पार्टी को ही वोट दे, ये इस वजह से प्रदीप को वोट नहीं मिलने गया। तो आप देश के 2024 के लोकसभा चुनाव में देश का जो प्रधानमंत्री बनेगा वो तो मोदी होगा, हर हालत में मोदी होगा वो तो। और बढ़ाई कर रहे हैं आप गठबंधन, गठबंधन की यहाँ कैंडिडेट बढ़िया नहीं था हमने, चलो यही कैंडिडेट बढ़िया नहीं है उत्तर प्रदेश की या देश की, अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की या देश की मैं बात करूँ, तो उस हिसाब से विकास कार्य हुए या नहीं हुए, क्या रहा? विकास तो इनके उसमें जुबान में ही है, जो कुछ है सड़कें तो बनी है, तो कुछ है नहीं, सड़क बनाओ जाओ, सड़क में हमारी सारी जमीन पी के, तो मुआवजा तो मिला है, तो मुआवजा मिलो जो बोने को तो नहीं रही जमीन, आगे आने वाले टाइम में इसका नतीजा तो आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा, मारे जाग तू तो मजा आ रहा है, जेब में रुपये आ रहे हैं, चिकमा मजे आ रहे हैं, आगे पड़ेगा इसका तो नतीजा। ठीक है देखिए, जो जमीन आने बोने की है वो खत्म हो रही है, उसका काफी फर्क बता रहे हैं पड़ेगा। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया है जी, सब ठीक ठाक। आप सुनो तो ये जैसा कह रहे हैं बाबूजी कि हमारी सारी जमीन तो सड़क बनाने में चली गई, विकास कार्य होंगे तो कुछ तो आएगा और जाएगा, लेकिन 2024 में कौन आ रहा है कौन जा रहा है? बस हमारे यहाँ तो ज़्यादातर एक रही है जी, बस एक ना कोई वोट दी जा रही ज़्यादातर, क्यों हमने प्रदीप कभी देखा ही नहीं, ना कभी गाँव में आया, इस सरकार में जो कुछ हुआ हमारी मोटी जमीन बछड़ी इन्हें गाय बछड़े खड़े हैं जी, हाँ गाय बछड़े खड़े ना उनसे ही परेशान है। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था तो बस ठीक ही है, ऐसी तो ठीक नहीं बस ठीक ही है जी, बस अब डर लगता है बहन बेटे को बाहर भेजने में या नहीं? नहीं नहीं डर तो लगता नहीं है, तो है नहीं, पर इसमें दिक्कत है 5,000 बिल हो जाओ जी हमारी बेइज्जती करे बिल कस्टम आवे, और जी जो है ना करे जी भी परेशान करे बिजली वाले,
पुराना पेमिट हमारे मिल सामने मिल का सारा रुका पड़ा ही है। अगर ये स्थिति सुधर जाए जो आप कह रहे हैं तो फिर सरकार कौन सी बढ़िया है? सरकार तो जी फिर भी बढ़िया जो है, जो किसानों को धान दे मान लिए तो फिर बहुत बढ़िया है, वो भी बढ़िया ही है। किसानों के लिए जयंत चले तो गए हैं बीजेपी में? अरे जयंत तो चले गए बीजेपी में, इससे पहले तो हमारी बेइज्जती कर दी ना, तो हमारा सामने मिल का पुराना पेमिट आया ना, हमारे जो है रोज बिजली वाले छत्ती में बैठे रहे हैं, कलेक्शन काट लग रही है 5,000 होती गया ढाबे उसे बिजली के कलेक्शन भला जी। और हम तो वैसे तो प्रदीप हमने कहीं देखा नहीं, वैसे हम एक रखी कह रहे हैं वोट देंगे। देख करके वोट दोगे? नहीं देख कर नहीं देंगे जी, वैसे ही देंगे पार्टी में वैसे ही देंगे। चलिए ठीक है। अच्छा मुझे बताइए बाबू जी, जैसे बात चल रही है कोई कहता हमारी जमीन चली गई, अब विकास कार्य होंगे, जमीन तो जागी भी लेकिन विकास कार्य करने में और देश को ग्रोथ देने में आपकी जो मौजूदा सरकार है वो ठीक है या आने वाले समय में कोई और सरकार होनी चाहिए? देखो 100% तो कोई गवर्नमेंट आज तक किसानों के हक में कोई सफल हुई ना हो, पर हाँ ये 40% का योगदान इसका है। रही बात अब जा किसानों के विषय में, भाई पुराना पेमेंट बकाया पड़ा 65% बकाया है। रही बात रोड की, हर 50 किलोमीटर पर टोल लगा दिए, 28% GST है, विदेशों में भी तो है ये GST का ये रूल होता है कि शिक्षा स्वास्थ्य फ्री होता है इसमें, और यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महंगे तो आम आदमी की पहुँच से दोनों बाहर। तो ये दूसरी बात, WTO का मेंबर बन रहा जो भारत, इसका रूल ये जो है वो जो शर्तें हो रही इसमें लागू कि 10% से ज़्यादा अगर MSP में ज़्यादा खरीद करेगी गवर्नमेंट तो उसमें जो है FIR होगी सीधी भारत सरकार के खिलाफ, ये मेंबरशिप में लिखा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट जो है पर किसान को तबाह करने के लिए नहीं बैठी यहाँ, यू कौन सा तरीका है भाई? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50 का फार्मूला, ये स्वामीनाथन ने मुखर होकर अपनी बात कही और उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? तो किसानों को ये नीचे तय में क्यों पहुँचाना चाहिए? कि बाहर जो बीजेपी सरकार कह रही है कि 400 पार, तो क्या इसका किसान आंदोलन का और GST जो आप बता रहे हैं इनका कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा भाई, सीधी बात है, हमारी तो किसानों की जो भी आवाज़ मुखर होकर उठावेगा हम तो वोट उसे देंगे। तो वो उम्मीद कौन है, वो किरण कौन सी है? फिलहाल मौजूदा सरकार में दो चेहरे सामने हैं, या तो इंडी गठबंधन या बीजेपी, तो इन दोनों में से कौन सा आपको लगता है? नहीं देखो पावर में जरूर है, सत्ता में है भाई बीजेपी, उसके हाथ में मशीनरी है, प्रशासन उसके हाथ में है। फिलहाल तो इलेक्शन होगा, पावर एक तरफ रह जाएगी रखी, क्योंकि इलेक्शन आयोग जो है चुनाव कराता है तो आचार संहिता लागू हो जाती है, सब नियम एक तरफ हो जाते हैं, तो ऐसे में तो आपको नया मौका मिलेगा, फिर आप क्या चुनना पसंद करेंगे? देखो हम किसानों के जो हित की पार्टी है वो बीजेपी तो है नहीं, था पूंजीपति की पार्टी है, खुलेआम पता सब है भाई। बड़े बड़े नोटबंदी भी इसमें जो है 30 लाख करोड़ रुपए माफ अंबानी अडानी के हुए, हमारे देश में इस समय जो KCC बने हुए हैं किसानों के वो 17 लाख करोड़ रुपये KCC में हैं, और जबकि 30 लाख करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए। ठीक है, ये किस बेस पर कर दिए? प्रधान जी राम राम। राम राम जी। हो हाँ जी ठीक। अच्छा ये बताओ चुनाव अब की बार किसके पाले में जा रहा है? किसके किसान की तो कोई सी पार्टी भी लोग आ नहीं रही नजर कोई सी। अच्छा हाँ किसान हित की तो है ही नहीं, या भाजपा भी नहीं, किसान हित की है ही नहीं, इब लो तो है नहीं, इब जैन चलेगा इब देखो भाई आगे क्यों पेमिट मारा हुआ नहीं, पिछला ही रुके पड़ा। तो क्या जयंत का बीजेपी? अच्छा, बिजली वाले वे रोज तंग रखे, बिल दो यू करो वो करो, रोजाना वे तार काटू रखे। तो सरकार किसकी बढ़िया? अगर आ जाए समाजवादी की, कांग्रेस की, वह बढ़िया जो उनसे किसान हित की होगी। तो ये तो आप लोग सोचेंगे ना, वोटर साफ हैं, आपको तय करना है कि वो सरकार कौन सी है। तो 2024 का जो प्रधानमंत्री बनेगा चुनाव में वो कौन सा चेहरा होगा? प्रधानमंत्री तो मोदी हरी बनेंगे भाई। समझ में यही तो बात नहीं आ रही कि सब पीड़ित पीड़ित सब है, मैं कह रहा हूँ पीड़ित सब है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बने बता दो? मोदी बनेगा। नाराजगी अपनी जगह और प्रधानमंत्री का चेहरा अपनी जगह है। क्यों बाबा जी क्या हाल है? ठीक है भाई। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे, लेकिन शिकायतें लगातार बता रहे हैं। ये बात सही है, मोदी जिसे उठावेगा उसे ही वोट मिलेगा, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा।
अच्छा, क्योंकि हो गया किसी ने आज कुछ कर इसलिए असर देखा भी नहीं जो मोदी ने कर दिया अभी। बस मारे तो ये ख्याल है, बस और हमें पता नहीं। तो इंडिया गठबंधन अब की बार क्या मोदी के सामने टिक पाएगा या नहीं? वाह, हमें नहीं पता। हम तो मोदी को जो को मोदी का उठावेगा जिसे उसे वोट देंगे जिससे मोदी बन जाए। बस उम्मीद है अब की बार जो किसानों की समस्या रही है तो ऐसी समस्याओं का समाधान होगा, महंगाई रही है इनका समाधान होगा, सब होगा, कभी सब ठीक हो जाएगा। सभी ज़्यादा मोदी के पीछे हैं। ठीक है ठीक है। देखिए हमने शामली में बहुत से किसानों से बात की, बहुत से लोग यहाँ पर बैठे थे, एक छोटी सी पंचायत चल रही थी। जी बताइए बताइए भाई। जो हमारे देश की हमारे गांव की उनकी जो समस्या है मेन पूरे भारत के गांव की, वो बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का उचित मूल्य न मिलना, ये सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में। भाई गाँव के किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे फौज में जाते, वे अग्निवीर बना दिए, उनकी रुचि खत्म होगी जब फौज में जाने की। क्या चार साल की कोई जॉब होती है कोई? हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है जी, आप सुनाओ। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हाँ जी, प्रधानमंत्री तो यह कहना हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता का, वोट किसी को तो बनेगा मोदी। ऐसा क्या है भाई जी, इनका थोड़ा कुछ जादू है यू, जो इनके संस्था है, चुनाव आयोग है, सब इनके कब्जे में है। नहीं नहीं, मोदी मैजिक भाई? मैजिक तो है नहीं, जादू है। जादू तो यू है कि जिता ले अपने को, कुकर ही जिताओ भाई, मानना करो चाहे कुछ करो। चलिए देखिए, हमने शामली में एक छोटी सी पंचायत का पंचायत में लोग बैठे थे, वहाँ पर हमने लोगों के मन की बात जानी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि किसानों की समस्या रही, बिजली के बिल की समस्या रही, रोजगार की समस्या रही, इन समस्याओं को फेस करते हुए भी हर कोई बस आखिरी एक ही सवाल पे चुप हो जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि देश का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो बोलते हैं कि देश का प्रधानमंत्री तो बनेगा मोदी ही। तो आने वाले समय में जब 2024 में लोकसभा चुनाव हो जाएगा और देश के प्रधानमंत्री जो भी होंगे, जो भी जनता चुनेगी, वो आने के बाद केवल इन समस्याओं पर ध्यान दे, किसानों की समस्याएं हैं, महंगाई है, रोजगार है, जो भी इन समस्याओं का समाधान करेगा वही 2029 में दोबारा से प्रधानमंत्री बन पाएगा। शामली से अपने सहयोगी रवि के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।